गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमने आपको चैप्टर शुरू किया था ग्रामर का, कारक। फिर हमने कारक की डेफिनेशन बताई थी। फिर हमने बताया था कारक के 8 प्रकार होते हैं, उनके विभक्ति चिन्ह के बारे में बताया था। अब देखिए, कर्ता कारक पहले, फिर हमने इसमें बताया था कर्ता यानी वाक्य में जिसके द्वारा काम करने का पता चले। तो हमने बताया था बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो कर्ता ने क्या काम किया? किताब पढ़ी। राम ने छींका, तो कर्ता ने क्या किया? छींका। अब देखिए, ये शून्य कारक है, इसमें हमने जो है विभक्ति चिन्ह नहीं लगाया। मोहनी खेल रही है, फिर भी हमें पता चल रहा है कि कर्ता काम कर रहा है, मोहनी खेल रही है। तो इसी प्रकार कर वाक्य में क्रिया का प्रभाव या बल जिस पर पड़ता है, या इसे हम पहचान किसे क्वेश्चन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं किसे मारा? रावण को। तो इसमें विभक्ति चिन्ह को लगा है और कर्म है रावण। लेकिन जो शून्य कारक होता है, जैसे राजेश गेंद खेल रहा है, इसमें हमने विभक्ति चिन्ह नहीं लगाया, फिर भी हम पहचान कर सकते हैं राजेश किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। वैसे करण का शाब्दिक अर्थ है साधन, यानी संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से साधन की सहायता से क्रिया संपन्न होती। राम ने रावण को धनुष से मारा, अब साधन क्या है? धनुष। ऐसे ही शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, किससे मारा? बंदूक से। इसी प्रकार अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यानी जिसके लिए कार्य किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, यानी किसी के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है या उसे कुछ दिया जा रहा है। मैं आपके लिए फल लाया हूँ, तो ये देखिए किसी के दूसरे के लिए कार्य किया जा रहा है। इसमें भूखे को अन्न दो, इसमें दिया जा रहा है कुछ, तो या तो किसी के लिए कार्य किया जाए या इसे कुछ दिया जाए। अब अगला है अपादान। अपादान हमने बताया था अलगाव या पृथकता, यानी अलग होने का भाव। जैसे लड़का पेड़ से गिरा, अब वो क्या हो गया? लड़का पेड़ से अलग हो गया है, तो अलगाव या पृथकता का भाव। ऐसे ही हिमालय गंगा से निकलती है, कब वो हिमालय से क्या हो गई? गंगा निकल कर चली गई। अब देखिए संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव हो, यानी ये जोड़ने वाले शब्द हैं। इसका हम एग्जाम्पल बता सकते हैं, यह राम का घर है, तो हम क्या कह सकते हैं? यह राम का घर है, तो हमने क्या लगा दिया? का इसमें वो क्या है? संबंध बता रहा है कि ये राम का घर है। अब देखिए, नगर की गलियां तंग है, नगर की गलियां तंग हैं, तो इसमें क्या है? की आ गया, तो हमने इसमें संबंध में बता रखे थे का की र रारी। तो इसी प्रकार अन्य शब्द के साथ इनका संबंध जोड़ते हैं। अब अधिकरण कारक, इसके बताया था मे या पर, तो क्रिया होने के स्थान व काल, काल यानी समय को बताने वाला। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसका होता है मे और पर। इसमें ये भी हम एक ऐड कर सकते हैं, मे का मतलब अंदर, पर का मतलब बाहर। तो देखिए, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अब ये उसके अंदर नहीं बैठी है, ऊपर बैठी है, वो स्थान का पता चल रहा है कि कहाँ बैठी है, वो पेड़ पर। परीक्षा मार्च में होगी, मार्च के महीने के अंदर होगी। अब संबोधन कारक, ऐसे ही संज्ञा के जिस रूप से किसी को सावधान किया जाए, पुकारा जाए, बुलाया जाए, यानी विश्वादिबोधक जिसमें हो, उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई, तुम अब कहाँ तक कहाँ थे, या फिर हे भगवान मुझे बचा लो। तो इस प्रकार से हम इन कारकों की पहचान कर सकते हैं।